मजे उड़ाओ डेटा नहीं। हाँ जी दोस्तों, ये YouTube Go का ही टेगलाइन है और हम आज आपसे इसी टॉपिक में बात करने वाले हैं और इस ऐप का रिव्यू करके भी दिखाने वाला हूं मैं आपको। तो अभी जिनको मालूम नहीं उनको बता देता हूँ, YouTube ने दोस्तों इंडिया के लिए खास एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है YouTube Go। YouTube Go भी मालूम है इंडिया के डेटा प्रॉब्लम्स और नेटवर्क प्रॉब्लम्स के बारे में। रिलायंस जियो ने कुछ हद तक इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुका है, फिर भी हमारे देश में ऐसे दोस्त है जो अभी भी 2G नेटवर्क यूज करते हैं और बफरिंग के लिए लोग यूट्यूब करना पसंद नहीं करते। तो दोस्तों ध्यान से सुन लीजिए, यूट्यूब ने हमसे प्रॉमिस किया है कि अभी आप 2G नेटवर्क पे भी बिना कोई बफरिंग के वीडियोस देख पाएंगे और बहुत ही कम MB में वीडियोस डाउनलोड भी कर पाएंगे। तो अभी मैं YouTube Go ऐप का रिव्यू करने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं सनी और आप देख रहे हैं दी टेक्नो बॉय। सबसे पहले आपको दिखाने वाला हूं प्ले स्टोर में अभी ये YouTube Go एप्लीकेशन अवेलेबल है या नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं YouTube Go अनरिलीज यानी कि ये एप्लीकेशन अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, पर मैं आपसे वादा कर चुका हूं कि आपको मैं इस ऐप का रिव्यू करके दिखाऊंगा। अभी आप मेरे फोन पर YouTube Go एप्लीकेशन देख सकते हैं। तो दोस्तों ये कोई मैजिक नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट एपीके लिंक दे दूंगा ताकि आप भी YouTube Go एप्लीकेशन का मजा ले सके सबसे पहले। तो चलिए YouTube Go खोल लेते हैं। तो ये सबसे पहले आपको अपना लैंग्वेज सिलेक्ट करने को बोलेगा। यहाँ आपको बहुत सारे इंडियन लैंग्वेज मिल जाएंगे, एक कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट बटन पर क्लिक कीजिए। फिर YouTube Go आपसे अपना नंबर मांगेगा, तो अपना नंबर डायल कर लीजिए, फिर नेक्स्ट बटन पर क्लिक कीजिए। फिर आपको अपना जीमेल को लिंक करना पड़ेगा, फिर वेरीफाई नाउ बटन पर क्लिक कर दीजिए। तो अभी YouTube Go हमारा फोन नंबर को वेरीफाई कर रहा है वेरीफाई पिन भेज के। तो चलिए इस प्रोसेस को होने देते हैं। तो दोस्तों YouTube Go का इंटरफेस कुछ ऐसा देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको कुछ ज्यादा फीचर देखने को नहीं मिलेगा, फिर भी ये बहुत फायदेमंद होगा आपके लिए। अभी चलिए कुछ सर्च कर लेते हैं। तो जैसे कि आपको पता चल ही गया होगा YouTube Go चैनल्स नहीं दिखाता है, बस वीडियोस दिखाता है और वीडियोस को बिना प्ले कर ही आप उसके फ्रेम्स देख पाएंगे। अगर आप डाउनलोड करने का सोच रहे तो बहुत अच्छा बात है, आपको दो क्वालिटी मिल जाता है। पहला है बेसिक क्वालिटी, इसका क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है। दूसरा क्वालिटी मिल जाता है आपको स्टैंडर्ड क्वालिटी, इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है और ये बहुत ही कम MB का मिलता है। अगर आप ऑनलाइन प्ले करने को सोच रहे हैं तो बहुत अच्छा बात है, यह बहुत ही कंप्रेस्ड वे में आपको दिखाएगा वीडियोस और आप बहुत ही डेटा सेव करने वाले हैं इस ऐप के द्वारा। तो दोस्तों इस ऐप का कुछ खामियां भी है, जैसे कि आप कोई वीडियोस को लाइक नहीं कर पाएंगे, कोई चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं कर पाएंगे, ना ही कहीं पर कमेंट कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए टेक्नो बॉय।